यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं बिलासपुर के एक पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता के नाबालिग बेटे और उसके तीन दोस्तों को पुलिस ने बुधवार को लगभग आधा किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा है। पुलिस ने इस मामले में एक स्विफ्ट कार को भी अपने कब्जे में लिया है और ये कार पूर्व विधायक के नाम पर पंजीकृत है। जानकारी के मुताबिक इस कार को पूर्व विधायक का नाबालिग बेटा ही चला रहा था। बुधवार सुबह पुलिस के नए नाके के दौरान रूटीन जांच करते हुए जब इस कार की तलाशी ली तो डैशबोर्ड से चरस के दो पैकेट बरामद हुए जिनका वजन 498 ग्राम था। पुलिस ने इस मामले में चारों युवकों को हिरासत में लेकर अब जांच शुरू कर दी है। तो पूर्व विधायक के नाबालिग बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया है और आपको बता दें कि यहां पर करीब आधा किलो ड्रग्स के साथ ये बेटा पकड़ा गया है पूर्व विधायक का और एक स्विफ्ट गाड़ी भी पुलिस ने हिरासत में ली है। और आपको बता दें ये जो पुलिस हिरासत में तीन युवक आपको नजर आ रहे हैं इनमें एक जो है नाबालिग बेटा है पूर्व विधायक का। ये गाड़ी जो है हिरासत में ली गई है स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो कि पूर्व विधायक के नाम पर ही दर्ज है। वहीं हिमाचल के सलूनी में मेडा बाजार में कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं बनाया गया है जिसकी वजह से वहां के सभी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल लोगों का कहना है कि जब भी वो सड़क पार करने जाते हैं तो गाड़ियां तेज रफ्तार से आ रही होती हैं जिससे कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। इसी सब के चलते यहाँ के स्थानीय दुकानदारों ने पीडब्ल्यूडी विभाग से जल्द स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की है।